हरियाणा सरकार ने बुधवार को बैठक में कई अहम फैसले लिए, जिसमें सरकार ने गांव में बिजली बिलों पर 2% पंचायत टैक्स लगाने का फैसला किया है, जिससे अब हरियाणा के गांव में बिजली 2% महंगी हो जाएगी। सरकार ने तर्क दिया है कि ये पंचायती टैक्स है, इससे पंचायतों को फंड मिलेगा। पंचायतें अपनी इच्छा से गांव का विकास करवाएंगी, परंतु हरियाणा के लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, इस पर जब लोगों से बातचीत की गई, उन्होंने अलग अलग तर्क दिए। कुछ ग्रामीणों का मानना है कि सरकार दिल्ली में चल रही किसान आंदोलन से ध्यान भटकाना चाहती है और ग्रामीणों पर 2% बिजली के बिलों में पंचायती टैक्स लगाना उचित नहीं है, क्योंकि ग्रामीण पहले ही कोरोना महामारी की वजह से आमदनी ना होने के कारण परेशान है। गाँव में बिजली के बिल पहले से ही ग्रामीण नहीं भर पा रहे हैं, ऊपर से 2% बिजली का महंगा होना ग्रामीणों पर एक बोझ है। सर, जो टैक्स लगाया गया है एक ना इंसाफी है जी। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर गरीब तबका के लोग रहे हैं जी, कोई टैक्स भर नहीं सकते जी इतना, क्योंकि ये सरकार चाहती है कि उसने देखते हुए डेबिट ध्यान इधर हो जाए। ये कुछ नहीं जी, ये सोची समझी सरकार की रणनीति है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कमाई का कोई साधन नहीं है। कोरोना महामारी के कारण जो काम धंधे वो चौपट हो गए। सरकार जो 3 अध्यादेश हैं जो लगाए हुए हैं, जो बॉर्डर पर लोग बैठे हैं उनको देखते हुए, ताकि जो उनसे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए काम किया गया है। सिर्फ ये लाभ अंबानी अडानी जो बड़ी बड़ी बहुदेशीय कंपनी है, जो पहले ब्रिस्ट इंडिया नाम की कंपनी आई थी, वो एक व्यापार करने के माध्यम से इंडिया के अंदर आई थी, वही काम इनका है। जो बड़ी बड़ी फार्मर है किसान के साथ समझौता करके बाद में ना उनकी फसल बिकनी जी, वो बाद में कहेंगे इसमें ये है वो है, बाद में उनकी ज़मीन उन पर कब्जा बड़ी बड़ी कंपनी कर लेगी, उनके अनुसार हमने खेती करनी पड़ेगी, हम बड़ी बड़ी कंपनी में बंधवा हो जाएंगे। ये बिल्कुल जनता के ऊपर एक टैक्स रखा है जी, इसे कोई विकास नहीं होता पंचायतों का और सरपंचों का। ये तो जो 3 काले कानून पहले से लेकर आई है जी मोदी सरकार और खट्टर सरकार हरियाणा में भी, इनको एक महीना से आंदोलन किसानों का दिल्ली में चला हुआ है, उससे ध्यान थोड़ा सा अलग भटके जनता का, उसको देखते हुए जी ने एक और टैक्स, ये जनता को टैक्स है जी, बोर लगा दिया। ऐसा आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर पहली बार हुआ है। अभी 30 दिन से किसान, जिसमें 20 से 25 की मृत्यु भी हो चुकी है, अपनी मांग ये मांग रहे हैं, हमने इस चीज़ की जरूरत नहीं, सरकार उनको धक्का से दे रही है वो 3 काले कानूनों के रूप में, और किसान बार बार कह रहे हैं भी हमने तो इस चीज़ की जरूरत नहीं। आज़ाद हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार हो रहा है जी। और उससे अलावा एक और, जहाँ ग्रामीण में गरीब जनता 90% पहले से गरीब जनता है, ऊपर से कोरोना लॉकडाउन कोरोना की महामारी में देखते हुए एक टैक्स और रख दिया जिनके ऊपर। गौरतलब है कि किसान पहले ही दिल्ली के बॉर्डर पर 3 कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, ऊपर से सरकार का इस तरह से फरमान जारी करना सही नहीं है। अब देखना ये होगा कि सरकार अपने फैसले को बनाए रखती है या बिलों की दरों को कम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब के सिटी टीवी, चंडीगढ़।